क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। मुझे बस वापस जाना है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अपने कजन के साथ घूम फिर के तुम आ रही हो, मुझे कह रही हो अजीब बिहेव कर रहा हूं मैं। तुमने मुझे जबरदस्ती भेजा था। जबरदस्ती भेजा था, लेकिन दौड़ भाग के खेल कूद के तो आप आ रही हो ना। वैसे मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ तो तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती, तो कमी कहीं तो पूरी करनी पड़ेगी। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। प्लीज, किसी को इतना बेवकूफ भी नहीं समझना चाहिए। वैसे एक बात कहूँ, माइंड तो नहीं करोगे? बोलो। बहुत बहुत बुरा ड्रेस लाई हो, इससे बहुत बेहतर है कि तुम साड़ी पहन लो। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, बहुत भद्दा सा ड्रेस है ना, कोई कलर कॉम्बिनेशन है, साड़ी पहन लो। अच्छा है, बुरा नहीं है शहीर। किसने कहा तुम्हें अच्छा है? मुनीम ने। यार उससे तो मैंने पूछा भी नहीं। बस यही गलती की है तुमने, क्या उसी से पूछ के आओ क्या पहनना चाहिए। ये कैसी इज्जत कर रहे हो तुम? अच्छा नहीं लगेगा, मैं क्यों पूछूं उससे? भाई मैं तुम्हारा मियां हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। हाँ तो कर तो रही हूँ, और क्या करूँ? तमीज से बात करो। तो मुझे भी आदत नहीं है तुम्हारे इस लहजे की। तुम यहाँ मैं के आके बहुत ज्यादा शेर नहीं होगे? क्या ख्याल है तुम्हारा, ये सब तुम्हारी साइड लेंगे? हाँ है ख्याल ऐसा। बस तुम चाहते हो मैं साड़ी पहनूं, पहन लेती हूँ। तुम बहुत ओवर हो गई हो, मैं इस डिनर पे जा ही नहीं रहा। क्या शहीद, हमारी शादी का डिनर है, पूरा खानदान तुम्हारे से मिलने के लिए आ रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसे? मुझे मिलने नहीं आ रहे, मेरा मजाक उड़ाने आ रहे हैं, मुझसे हमदर्दी करने आ रहे हैं। मैं इन जाहिलों के साथ एक मिनट नहीं बैठूंगा। मेरे रिश्तेदारों के बारे में ऐसी बात मत करो तुम। सारा भावलपुर तुम्हारा रिश्तेदार है, मैं किस किस की इज्जत करता रहूं? सारा दिन तुम्हारे पापा को बर्दाश्त किया मैंने, तंग आ गया हूं मैं। मेरे पापा मेरे वालिद की जगह है शहीर, तमीज से बात करो। क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? करूंगा मैं। अगर तुमने एक और लफ्ज कहा ना। हाँ तो तुम मुझे धमकी दे रही हो, धमकियां दे रही हो। मैं बताता हूं मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। चुप हो जाओ प्लीज। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये सब कुछ था तो फिर शादी क्यों की थी इससे उसने? वो शहीद ने नहीं की थी, मायरा ने की थी। वो तो ये समझ रहा था कि दो चार दिन में इसका भूत उतर जाएगा, लेकिन ये और जुल्म यार, बेचारी बच्ची के साथ। ये तो दिल से उसे चाहने लगी है। अब वो तभी तो वो जुल्म कर रहा है इसके ऊपर, ताकि वो इससे जान छुड़े। लेकिन मायरा बेवकूफ है। ये कैसी मोहब्बत है यार, ये लॉस वाली है शायद। तुम भी मोहब्बत करते हो उससे? मैं आता हूं। कहां जा रहे हो? मैं आता हूं। मैं